थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई। मृतक पुंजाराम वाड़ी डिप्टी सिग्नल निवासी नंदू दिलीप गिल्लोर बताए गए। नंदू मजदूरी करते थे। राज्य मंत्री कड़ू ने कहा कि यदि पालक फीस नहीं देंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी। जो ऑनलाइन कक्षाएं बंद करेंगे ऐसे स्कूल प्रबंधक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी कोई प्रतिसाद न मिलने पर संबंधितों पर फौजदारी का मामला दर्ज किया जाएगा। आर्थिक संकट की गर्त में डूबी महानगर पालिका को संकट से उभारने और विकास कार्यों को सुचारू करने अब अचानक मनपा की तिजोरी भरने के लिए अभय योजना लाई गई है। गत समय के अनुभव को देखते हुए इसके अधिक सफल होने पर आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार के दोपहर लक्ष्मीनगर जोन अंतर्गत आने वाले कई हिस्सों में उस समय अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई जब मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता दल बल के साथ कार्रवाई के लिए पहुंच गया। कोरोना संकट की वजह से इस बार छात्रों की पढ़ाई में सीधा असर हुआ है। हालांकि राज्य के ग्रामीण भागों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूल खोल दी गई है। फिलहाल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। इस हालत में इस बार बोर्ड परीक्षाएं मई महीने में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नारायणा विद्यालय ने पालकों से जो अतिरिक्त शिक्षा शुल्क लिया है उसमें से बीते दो वर्ष की राशि के रूप में स्कूल से 5,59,00,000 रुपए वसूले जाएंगे। इसी तरह पालकों को बेहिसाब लूटने वाले नागपुर शहर के 15 और निजी स्कूलों के ऊपर महीने भर में यही कार्रवाई की जाएगी। तत्कालीन आयुक्त मुंडे के कार्यकाल में विकास के लिए निधि नहीं मिलने को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से काफी हंगामा मचाया गया। अनुसूचित जनजाति के गोंड गोवारी जनजाति के नाम पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होने के कोई भी कारण उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया है। जीएसटी अन्वेषण विभाग ने जाली बिल जारी करने वाले एक और बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यवतमाल के 4 कमीशन एजेंट बिना कारोबार के ही लगभग 621 करोड़ रुपए के जाली बिल जारी कर इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे। भनक लगते ही विभाग ने कार्रवाई की। पता चला कि वे सारे लोग घरों से कारोबार करने का ढोंग कर रहे थे। हिंदुओं के साथ ही महिलाओं को गंदी गालियां देते हुए पहले फेसबुक और फिर व्हाट्सएप पर युवक के वायरल वीडियो पर शुक्रवार दोपहर माहौल भड़क गया। इससे पहले कि शहर में धार्मिक उन्माद बढ़ता, पुलिस आरोपी फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अरबाज खान को गिरफ्तार सदर थाने में ले गई। यहां पता चलते ही शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेताओं के थाने में जमकर हंगामा किया।